दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ओप्पो कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन हो, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपने उसे 2020, 2021, 2022 या फिर 2023 में भी अगर आपने ख़रीदा है और फ़ोन नया लेते ही समय लॉक हो गया या पुराना फ़ोन लॉक हो गया है या फिर घर में बच्चों से लॉक हो गया है, आपके गार्जियन से, पेरेंट्स से, हस्बैंड वाइफ किसी से भी अगर फ़ोन गलती से लॉक हो गया है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जो मेरे साथ भी हुआ है कि बच्चों से फ़ोन ना देने के चक्कर में कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत बार पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, कभी इस तरीके का पैटर्न, कभी उस तरीके का पैटर्न, कभी पासवर्ड, बहुत बार ऐसा होता रहता है कि हम यहाँ पे फ़ोन को जो है लॉक कर बैठा है, खुद ही भूल जाता है कि कैसा हमने पासवर्ड, पैटर्न, पिन वगैरह लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जब भी आप देखेंगे फ़ोन को, मैं जैसे यहाँ पे अनलॉक करके दिखा रहा हूँ कि ये सॉरी अनलॉक कर रहा हूँ मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जूम करके कि नो सिम, जब भी फ़ोन हमारा लॉक हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि अपने स्मार्टफोन को, जी हाँ दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को हम क्या करते हैं कि उसमें से सिम कार्ड को निकाल लेते हैं और दूसरे फ़ोन में लगा लेते हैं ताकि टेम्परेरी हमारा कम से कम कॉल तो आता जाता है। तो आज के इस प्रोसेस में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप विदाउट डेटा लॉस, जी हाँ दोस्तों, विदाउट डेटा लॉस किसी भी स्मार्टफोन में लगे हुए लॉक को, ओप्पो के लॉक को बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। सबसे पहले अपने फ़ोन को आप जो है कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर लीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब जब आप अपने फ़ोन को टर्न ऑफ कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे पावर बटन और दूसरा वॉल्यूम डाउन दोनों को यहाँ पे कंटिन्यू इस तरीके से प्रेस करना है और जैसे ही इसको आप प्रेस कीजिएगा तो आपके फ़ोन का नाम आ जाएगा, तो आपको यहाँ से इस वाले उससे उंगली हटा देना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है रिकवरी मोड यहाँ पे ओपन हो जाता है ना, तो अभी हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड में आ चुका है, ठीक है। और यहीं से हमारा जो है मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है अपने फ़ोन के लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश, अगर आपको चाइनीज आती है तो चाइनीज़ में भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट डेटा को इस तरीके से जाएंगे और ये कोड अगर आप इंटर कर देंगे तो आपका डिवाइस जो है फॉर्मेट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा, बट हमें ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है बैक चल जाना है इस तरीके से और ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्चिंग फॉर वाईफाई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि वाईफाई से कनेक्टिविटी मत दीजिएगा, अगर आपके पास वाईफाई होगा तो आपको वाईफाई से किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखिएगा और जो मेथड मैं आपको बताता हूँ आपको उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये देखिए, वाईफाई आपको कनेक्ट करना है कब, जब यहाँ पर इस तरीके का ये ऑप्शन आ जाए, तो अभी इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको इंटर वाईफाई, आपको अपना वाईफाई जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना वाईफाई यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए कनेक्टिंग वाईफाई यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, इसको आप यूज़ कीजिए। और ध्यान रहे आपको सिर्फ अपना वाईफाई यूज़ करना है, दूसरे का वाईफाई यूज़ मत कीजिएगा। चलिए नो अपडेट वाच फाउंड आ गया, ओके कर दीजिएगा यहाँ पे। और फिर से जब सर्चिंग वाईफाई आ जाए तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो वाईफाई आ गया है, ठीक है। तो अभी इस समय हमें यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम क्लिक कर लेंगे और अब जो है यहाँ पे हम अपने फ़ोन को बहुत ही ईजी वे से रिबूट कर देंगे। देखिए फ़ोन हमारा रिबूट हो चुका है, हमने सिर्फ ऑनलाइन अपडेट पे जाके बस क्लिक किया है और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है। फ़ोन हमारा अनलॉक हो चुका होगा, कोई भी डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा इस प्रोसेस से, ये भी ध्यान लीजिए। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ये काम आपका बन जाएगा अगर आप बताए गए सेम मेथड को करते हो तो। जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइव जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर अपने फ़ोन को ऑन कर चुके हैं, ओप्पो का लोगो भी आ गया है, कलर ओएस यहाँ पे अब दिख रहा है आपको। अब हम जैसे ही फ़ोन ओपन होगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि अपने फ़ोन को ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपके फ़ोन में कोई भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम जस्ट इसको इस तरीके से स्वैप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है विदाउट डेटा लॉस के साथ। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। फिर से हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे, अनलॉक करके इस तरीके से स्वैप अप करने की कोशिश करेंगे और फ़ोन यहाँ पे हमारा
बहुत ही इजी वे से अनलॉक हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर आपको वीडियो कॉल के थ्रू हेल्प करें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, आपको विद इन 10 सेकेंड वॉइस कॉल वीडियो कॉल भी आ सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।